वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। आज इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स दैट इज ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द गंगा बेसिन, टुडे ब्रह्मपुत्र बेसिन। दिस एरिया इज ड्रेन बाय ब्रह्मपुत्र river that originated in Tibet from Chemandong glacier near Mansrover lake। Tibet में Mansrover lake है, वहाँ पर जो Chemandong glacier है वहाँ से ब्रह्मपुत्र river निकलती है और जो ब्रह्मपुत्र basin उसी river के आसपास है, that area is drained by ब्रह्मपुत्र river। ब्रह्मपुत्र रिवर स्ट्रेचिज टू इंडिया, इंडिया की तरफ बढ़ती है, तिब्बत भूटान नेपाल एंड बांग्लादेश इन एरियाज़ को कवर करती है। टोटल एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ 580,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड टोटल लेंथ इज़ 2,900 किलोमीटर ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउन एज झारलंग सेंगपो इन तिब्बत, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर का नेम है झारलंग सेंगपो एंड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसका नेम चेंज हो जाता है, दैट इज़ जमुना, यानी कि वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो बोली जाती है दैट इज़ चेंज द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ सी इन दिस मैप वेयर इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर, सी हियर क्लाश मानसरोवर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर उसका नेम है सेंगपो और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, और जहाँ पर बे ऑफ बंगाल इज़ द माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ पर वो मर्ज कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, क्लियर दैट। और इधर से जो गंगा रिवर आती है, गंगा रिवर की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है दैट इज़ पद्मा, उसके साथ ये मर्ज कर जाती है और जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दैट इज़ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन के नाम से भी जानते हैं। मीट्स विद पद्मा रिवर दैट इज़ द गंगाज डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा है इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी पद्मा रिवर के साथ वो मर्ज कर जाती है एंड मेक द लार्जेस्ट डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। एंड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द मार्शी एंड एरिया ऑफ मैनग्रोव स्वैम्प्स, एक मार्शी एरिया है और जहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा मैनग्रोव ट्रीज ग्रो करते हैं, जिन्हें हम सुंदर वन के नाम से जानते हैं, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उसका दूसरा नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। मेन रीज़न क्या है, इस एरिया में ज़्यादा सुंदरी ट्रीज ग्रो करते हैं और उसी के नाम पर जहाँ के एरिया का नाम बन गया है सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर द सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इस एरिया में ज़्यादातर हमें रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं और क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ डेल्टा। डेल्टा व्हाट इज़ द डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, जो रिवर अपने माउथ मीन्स सी या ओशन में मर्ज होती है उससे पहले वो अलग अलग पार्ट्स छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है, दैट आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर्स, वहाँ पर ट्राइंगल शेप का एक लैंड मास बन जाता है, दैट इज़ नोन एज डेल्टा। सी दिस इज द सुंदरवन डेल्टा दैट इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ट्राइंगुलर शेप लैंड मास दैट इज नोन एज डेल्टा। नेक्स्ट इज द इंडस बेसिन, द इंडस राइजेज फ्रॉम द ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक इन
तिब्बत, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट होती है सेम उसी जगह से मानसरोवर लेक से ही एक और रिवर राइज करती है, दैट इज इंडस रिवर। इफ फ्लोज थ्रू द लद्दाख कैन एंटर पाकिस्तान, और ये रिवर लद्दाख के थ्रू इंडिया में एंटर करती है और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। तो इसके आसपास के एरिया को ही हम कहते हैं इंडस बेसिन। इट इज़ ज्वाइन बाय द रिवर्स झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं आगे, दीज आर झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। और इन्हीं जो पांच रिवर हैं, फाइव रिवर्स के नाम पर ही पंजाब का नाम बना था, दैट इज पंजाब, पंच जमा आप, यानी पंच मीन्स पांच, आप मीन्स पानी, जहाँ पांच पानियों की धरती है, दैट इज पंजाब। इट एंड्स हिज जर्नी इन द अरेबियन सी नियर द कराची इन पाकिस्तान, और लास्ट में इंडस रिवर कहाँ पर मिलती है, अरेबियन सी में, कराची एक सिटी है पाकिस्तान में, वहाँ पर। इट एंड्स इट्स जर्नी इन द अरेबियन सी। नाउ लुक एट इन द मैप, वेयर इज द इंडस रिवर, सी इन दिस मैप, कैलाश मानसरोवर, यहाँ से ही इंडस रिवर स्टार्ट होती है, लद्दाख एरिया से इंडिया में एंटर करती है और वहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। और यहाँ पर देखो चेनाब, रावी, सतलुज, झेलम, ब्यास, ये जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं, और इंडस रिवर जहाँ पर कराची प्लेस पर अरेबियन सी के साथ मिल जाती है। क्लियर दैट दिस एरिया इज नोन एज इंडस बेसिन। मेजर पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन इज लाइज इन पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद देखा जाए तो इंडस बेसिन का ज़्यादा जो भाग है वो पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए इंडिया का पास सिर्फ 1/3 पार्ट है, दैट इज इन इंडिया द पार्ट ऑफ इंडस बेसिन, एंड दैट इज़ नोन एज पंजाब बेसिन, जिसको हम पंजाब बेसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डिवीज़न ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज़ कॉमनली नोन एज राजस्थान डेजर्ट और द थार डेजर्ट। इनको हम राजस्थान डेजर्ट या थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और टोटल एरिया कितना है, 2 लाख स्क्वेयर किलोमीटर। टू इट्स ईस्ट लाइज अरावली रेंज। इन डेजर्ट के ईस्ट साइड में कौन सी माउंटेन रेंज है, दैट इज अरावली। डेजर्ट रीजन इज फेयरली फ्लैट एंड लो लाइंग एरिया। डेजर्ट एरिया कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, लो लाइंग है, स्मूथ एरिया होता है, बट इट इज़ कवर्ड विद स्नो बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। मर्ज विद सिंध डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट, और वेस्ट साइड में ये एक सिंध डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान है, उसके साथ मर्ज मीन्स मिल जाता है। सी इन द मैप वेयर इज़ द इंडियन डेजर्ट ऑन द वेस्ट साइड, ये आपकी वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड ऑफ इंडिया वी कैन फाइंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज राजस्थान डेजर्ट और द थार डेजर्ट एंड मिक्स विद द सिंध डेजर्ट। हियर इज़ अ सिंध डेजर्ट दैट लाइज इन द पाकिस्तान और इन द ईस्ट साइड, दिस इज़ द ईस्ट साइड, वहाँ पर क्या है, अरावली रेंज। क्लियर दैट, तो दीज आर ऑल अबाउट द नॉर्थन प्लेन्स एंड द डिवीजन ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, दैट इज गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, इंडस बेसिन एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस नॉर्थन प्लेन्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द डेक्कन प्लेट्यूज। Thank you for watching the video.